जयपुर में दृष्टिहीन बालक भी क्रिकेट खेल सकेंगे, जिसके लिए लुई ब्रेल दृष्टिहीन विकास संस्थान और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 20 मई तक आयोजित होने वाली 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन SMS स्टेडियम के एकेडमिक ग्राउंड में किया जाएगा। ये जानकारी दृष्टिहीन विकास संस्थान के चेयरमैन PC जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान की 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर की टीम शामिल है। इन टीमों में कुल 96 दृष्टिबाधित प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में कुल 7 मैच आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 20 मई को होगा। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसमें आवाज करती है, उस साउंड से ही इनको पहचान में आएगी कि बॉल आ रही है, किस ओर आ रही है बॉल। इनके जो दृष्टिबाधित होंगे वो इनकी जो बॉल फेंकी जाती है वो ऊपर से थ्रो करके नहीं फेंकी जाती, उस बॉल को हमेशा नीचे से लुढ़का करके फेंकते हैं, नीचे से लुढ़काते हुए आती है, और केवल आवाज़ से ही पहचानते हैं, उसी के हिसाब से इनका करता है फील्डिंग भी, उसी आवाज़ को देखकर।